Devon! अभी कुछ ही समय हुआ है तुम्हें बालवीर बने हुए और तुम यहां तिमनासा से लड़ने आ गए। हरा दोगे मुझे? इतनी बड़ी गलतफहमी में हो भी कैसे सकते हो तुम? आप चाहे कितनी भी पुरानी विलन हो टिम्मी आंटी, आखिर हो तो विलन ही ना, और हीरो हमेशा विलन पे भारी ही पड़ता है। बोलते अच्छा हो, लेकिन ये गोली की गोली मेरे सामने नहीं चलेगी तुम्हारी। विवान, परियो, हम सबको एक साथ मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। तिमनासा, इनकी शक्तियों का सामना करने के लिए हमें भी अपनी शक्तियाँ। फिक्र मत करो भैमार, दुनिया का कितना भी तेज परिंदा क्यों ना हो, लेकिन कभी उड़कर सूरज को नहीं छू सकता। और रही बात इस छोटे बालवीर की, तो ये मुझे तो क्या, मेरी परछाई तक को नहीं छू सकता। अब मैं तुम्हें आज का सबसे खूबसूरत नजारा दिखाऊंगी। अब तुम अपनी बेबस और लाचार आंखों से इस खुशी के अंदर भाला जाते हुए देखोगे। अब देखती हूँ कैसे बचते हैं ये सब। कौन हो तुम और यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नाम में क्या रखा है, काम देखो। कौन है ये? कहीं ये बालवीर तो नहीं? हो Oh,
मुझे हो गया है तुम। जाना लड़किया। तो बा, कौन है ये नकाब पोश? क्या मार? सबको धो रहा है। शेर की पहचान उसकी दाढ़ से होती है। ठीक ऐसे ही अगर ये देवू भैया होते तो अपनी जादू शक्तियों का इस्तेमाल करते, इसलिए लगता है कि बालवीर नहीं है। ये देखा देखा तुमने विवान, ये नकाब पोश के पास जादुई शक्तियां भी है। लेकिन इनकी शक्तियां वीर लोग की शक्तियों से काफी अलग टाइप की है। शूरवीर जबदाली जी, आखिर तुम हो कौन? कमजोरों का हमदर्द हूं, उनका अपना, लेकिन तुम जैसे शैतानों के लिए एक बुरा सपना हूं। अब तो गया तुम नकाब पोश। निकालो इसका नकाब। बस अरे आप लोग क्या करती थी को संभालो, हर महीने का पोश की हेल्प करता हूँ। हाँ हाँ खुशी, तुम ठीक हो? खुशी
मेरी शादी में क्यों नागिनदास कर रहे हो भैया? मरना है क्या? जीना मरना तो उसके हाथ में है, मेरे हाथ में तो सिर्फ ये है। अरे लेकिन आप हो कौन ब्रदर? अपने नाम तो बताओ। लोग नाम से नहीं, काम से जाने जाते हैं। मेरा और तुम्हारा काम एक ही है, बुराई को खत्म करना। इसलिए तुम मुझे दोस्त बुला सकते हो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बालवीर ने देबू होने के ढोंग को बनाए रखने के लिए नया ढोंग तो शुरू नहीं कर दिया, नकाबपोश होने का। ए तौबा तौबा। हाँ? नागिनी। हाँ? अरे नागिनी आ गई तुम। बालवीर के बारे में मेरे पास एक नई जानकारी है। धरती लोक में हर घर में तो आईना होता ही है। मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी। अरे वाह, आप लोग तिमनासा को धूल चटा के वापस आ गए। खुशी खुशी ठीक तो है ना? खुशी को चोट तो नहीं लगी? फिकर नॉट डूबा डूबा, दीदी अब बिल्कुल सेफ है और हमने इनकी मेमोरी भी क्लीन कर दी है। वाह, ताकि इनको अभी किडनैपिंग और मेरे बालवीर होने के बारे में कुछ भी याद ना रहे। शाबाश वान, शाबाश। जैसे जरूरत पड़ने पर डुबो डुबो धरती पर आकर मेरी जगह ले लेते हैं, ठीक उसी तरह दीदी को बचाने के लिए देबू भैया ही नकाबपोश बनकर आए थे। हम सबको भी देबू पर संदेह हो रहा है, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्योंकि देबू के पास ना तो उसकी शक्तियां हैं और ना ही उसकी पुरानी यादें। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है, अगर देबू ये सब नाटक कर रहा है तो उसने हम सबको क्यों नहीं बताया? पता नहीं,
लेकिन इस वक्त मैं मम्मी और दादाजी को संभालता हूँ, तब तक आप लोग वीर लोग जाकर शौर्य को ये सब कुछ बताइए। हाँ दादा। वो नंगा पोश जो भी है, मैं दिल से उसे बस थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरी बेटी खुशी को हर दुख तकलीफ से बचा के रखना भगवान। इस परिवार को हमेशा तकलीफ से बचाए रखना है ईश्वर। मम्मी दादाजी, भगवान जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, खुशी दीदी मिल गई। दादाजी आइए। खुशी 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 बेटा, खुशी बेटा आंखें खोल। खुशी विवान, ये आंखें क्यों नहीं खोल रही है? मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी, मेरा मतलब डॉक्टर अंकल की कोई जरूरत नहीं है। रेस्ट भी दीदी, अभी थोड़ी देर में अपने आप होश में आ जाएगी, क्योंकि जब मुझे दीदी मिली थी तब वो होश में ही थी। एक मिनट, तू तो घर पे था, तो खुशी तुझे कहाँ और कैसे मिली? वो जब मैं तू कहीं बाहर गया था क्या विवान? अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं घर के अंदर ही था, लेकिन जब मैं वो पौधों को पानी देने गया था ना आंगन में पीछे, तब देखा कि दीदी वहाँ खड़ी है। तो तूने खुशी से पूछा नहीं वो अचानक गायब कहाँ हो गई थी? अब पूछा था ना दादाजी, लेकिन तब दीदी को कुछ याद नहीं था और फिर वो अचानक बेहोश हो गए, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया और तुरंत ही आप लोगों को बुला लिया। लेकिन आप लोग है कि मेरी इंटरोगेशन कर रहे हैं। नहीं, नहीं। दीदी तो बच गई, लेकिन जस्टी बचाया वो था कौन? वो अनजान योद्धा जो कोई भी, पर देवू नहीं हो सकता। लेकिन तुम ये इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकती हो? आखिर वो नकाब पोश भी बालवीर की तरह एकदम युद्ध कला में माहिर था। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, देवू के पास कोई शक्तियां बची ही नहीं है। लेकिन अगर वो नकाब पोश बालवीर नहीं था तो वो खुशी को बचाने क्यों आए और उसने विवान की मदद क्यों की? एक बात बताओ नागिनी, क्या एक पल के लिए भी वो तुम्हारी नजरों से ओझल हुआ था? वैसे तो मेरी नजर बालवीर के ऊपर ही थी, लेकिन दो तीन बार उस लड़की अनन्या की वजह से मेरी नजर बालवीर पर से हट गई। हो सकता है तुम्हारी जरा सी चूक का ही बालवीर ने फायदा उठा लिया हो। नागिनी मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़े वक्त के लिए और उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। तुम्हें इस नागिनी से जितनी जासूसी करवानी है करवा लो, मुझे सिर्फ ये बताओ हम आज की कड़वी हार का बदला कैसे लेने वाले हैं। उस कड़वी हार का बदला तो मैं जरूर लूंगी भैमार, पर उस हार का बदला लेने के लिए मैं एक तीर चला चुकी। कब चली? बड़े और छोटे बालवीर को लगता है कि उन्हें जीत हासिल हो गई है, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि खुशी को बचाने वाली उनकी खुशी बहुत जल्दी मैं चकनाचूर करने वाली हूँ। चकनाचूर? तैयार हो जाओ विवान मेरे अगले बार के लिए। मम्मी। खुशी। दीदी। खुशी। हाँ बेटा, मैं यही हूँ तेरे पास, तू ठीक तो है ना? पानी। हाँ पानी। आराम से दीदी, आ जा आराम से, आराम से, आराम से। ठीक लग रहा है खुशी? ये बता वो औरत और आदमी कौन थे जो तुझे लेकर गए थे? कौन औरत कौन आदमी? मम्मी लगता है दीदी को शौक के कारण कुछ याद नहीं है, और मुझे लगता है कि दीदी को अभी क्वेश्चन से ज्यादा केयर की जरूरत है। आप किसके बारे में बात कर रहे हो मम्मी? अरे वो सब छोड़ खुशी, तू मुझे ये बता तुझे भूख लग रही होगी ना? हाँ मम्मी, पेट में तो चूहे ऐसे डांस कर रहे हैं जैसे बहुत दिनों के लिए उपवास पे चले गए थे।
लेकिन मुझे इतनी भूखी लग रही है। वो इसलिए बेटा क्योंकि तू आज बहुत देर तक सो रही थी और तूने सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया। तो एक काम कर, तू 10 मिनट रुक, मैं तेरे लिए कोई अच्छी सी डिश बनाकर लेकर आती हूँ, ठीक है? लेकिन मम्मी मम्मी रुको, डॉक्टर अंकल ने तो आपको भी रेस्ट करने के लिए कहा है ना, मैं कभी भी फिर से लो हो गया तो। अरे कुछ नहीं होगा ऐसा, तो भूल गया विवान, तूने ही तो मुझे जड़ी बूटी खिलाई थी। मैंने, अरे मैं वीर लोग से करुणा जी के लिए ये दवाइयां भी लेकर आया हूँ, इससे उनका रक्तचाप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, मैंने दी थी, उससे मेरा बीपी एकदम ठीक हो गया। दवा ने तो असर किया पर मेरी असली दवा मेरे दोनों बच्चे हैं, और खुशी को देखकर तो मैं एकदम ठीक हो गई। मैं अभी गिरबड़े को जाके बता देता हूँ कि खुशी मिल गई है, क्योंकि किडनैपर्स का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, वरना और बच्चे किडनैप होते रहेंगे। किडनैपर्स? कौन किडनैप हुआ दादाजी? अरे हाँ दीदी, वो अपने चिंटू किडनैप हुआ था ना, लेकिन अब सब नॉर्मल है। मम्मी, देवू भैया कहाँ? अभी तक वो वापस नहीं आए। हाँ काफी देर हो गई है, तू जाके पता करके आ ना कहाँ रह गया वो। हाँ। अब तक देवू भैया लौटे क्यों नहीं, है कहाँ भैया? अरे खुशी तुम आ गई? पर मैं तो घर पे ही थी, बस थोड़ी देर तक सो रही थी, लेकिन आप मुझे देख के चौंक क्यों गए हो? वो नहीं नहीं वो क्या है ना, तुम्हारा भाई हूँ इसलिए चिंता होती रहती है। लो आप मुझे ढूंढने के लिए बाहर चले गए और अब विवान आपको ढूंढने के लिए बाहर चला गया। ओ अगर वो नकाबपोश दीपू को यही थे तो जरूर इनके भी हाथ पे चोट लगी होगी। एक ही तरीका है पता लगाने का। देवू भैया कैश। विवान, ये भी कोई वक्त है खेलने का? जा, जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ। ये चोट भैया को अभी लगी है? यह तमन्ना शाह से लड़ते वक्त लगी चोट को भैया इस नई चोट के पीछे छुपा रहे हैं, कैसे पता लगाऊं मैं? विवान क्या सोच रहा है खड़े खड़े, जा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आना। सॉरी भैया, मेरी वजह से आपको चोट लग गई। नहीं नहीं विवान, ये तो छोटी मोटी चोट है, लगती रहती है, लेकिन असली काम तो तुमने किया है। खुशी को ढूंढकर तुमने माँ के दिल पर लगने वाली बहुत बड़ी चोट को टाल दिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। भैया असली क्रेडिट तो आपको मिलना चाहिए। मुझे? मैंने क्या किया? मैं तो बस यूं ही जीसी रोड पे भटक रहा था, असली काम तो तुमने किया है। वैसे मैं गिरपड़े जी, अनन्या जी और भारत नगर के सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए। उन्हीं की वजह से आज हमें खुशी मिली है, बहुत मेहनत की है उन लोगों ने। बात तो सही है। हाँ मेरे पास एक आइडिया भी है, हमें गिरपड़े अंकल, अनन्या दीदी और भारत नगर के सारे लोगों को एक थैंक्स गिविंग पार्टी पर बुला लेना चाहिए। हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। विवान तुम्हारा माइंड तो तुम्हारी पावर्स की तरह ही सुपर है, मम्मी का मूड भी हल्का हो जाएगा, बेचारी बहुत दिनों से परेशान है। और हाँ हमें ये ध्यान रखना है कि दीदी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी किडनैपिंग हुई थी, और उनके लिए तो ये पार्टी कोई कॉमन पार्टी होनी चाहिए। हाँ लेकिन
ऐसे ही थोड़ी ना पार्टी दे सकते, हमें कोई कारण तो देना होगा ना। एक बहाना है मेरे पास, भारत नगर फाउंडिंग डे। मतलब भारत नगर स्थापना दिवस? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और हाँ, मैं भारत नगर के सारे लोगों को भी बोलना होगा ना कि दीदी के सामने अपना मुंह ना खोले किडनैपिंग के बारे में। चलो मैं ही आइडिया माँ को भी बता के आता हूँ, ठीक है? लेकिन इस पार्टी में मेरी नजर सिर्फ आपके ऊपर होगी भैया, क्योंकि इस नकाबपोश का सीक्रेट तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। कैसा समारोह तमन्ना सा, तुमने जो छुपा हुआ तीर छोड़ा है उसे पहले निशाने पे जाके लगने तो दो, उसके बाद आराम से जश्न मनाना। इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? भैमार, मैं काललोक में होने वाले समारोह की बात नहीं कर रही, बल्कि भारत नगर के समारोह की बात कर रही हूँ। इस समारोह की जानकारी तो मुझे भी नहीं है, फिर ये जानकारी तुम्हें कहाँ से मिली तिमनासा? तिमनासा कभी जंग के मैदान में सिर्फ एक तीर लेकर नहीं उतरती, बल्कि देवू के साथ इस खेल में मेरे पास एक तुरुक का इक्का भी है। उस समारोह में जाकर हमें ये पता लगेगा कि ये देवू और वो नकाबपोश एक ही हैं या नहीं, या काल लोक का कोई नया दुश्मन पैदा हो गया है। वैसे तो बड़े शहरों के छोटे छोटे घरों में रहने वालों के दिल भी छोटे हो जाते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि भारत नगर के निवासियों का दिल समंदर के जितना बड़ा है। किसी भी मुसीबत में आप लोग हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं, बिल्कुल एक परिवार की तरह। इसलिए मैं अपने दिल की गहराई से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ। क्या सब लोग ताली बजा रहे हैं? करुणा जी, अभी आपने ही तो कहा कि हम सब लोग एक परिवार हैं, तो परिवार में कोई थैंक यू थोड़ी होता है, है कि नहीं? बरोबर है, बरोबर है ताई। तो इस बात पे शुरू करते हैं पार्टी। बहुत अच्छा आइडिया निकाला है तूने और देवू ने मिलकर, सबका मूड कितना अच्छा हो गया ना। थैंक यू, वेलकम। शुक्रिया अदा तो हम भी आपका करना चाहते हैं करुणा जी, आखिर आपने हमारे भाई का इतने दिनों से ख्याल जो रखा। हम आज ही माँ से मिलकर वापस लौटे हैं और हमें देवू के बारे में पता चला। करुणा जी, दरअसल हम सबको बहुत दुख हुआ कि हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है और हम सही समय पर आ नहीं पाए। अरे कोई बात नहीं मेघा, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि जब तक देवू की यादाश्त वापस नहीं आ जाती ना, वो हमारे साथ इसी घर में रहे। वो क्या है ना, उसके दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, है ना? और अब तो देवू से लगाव भी बहुत हो गया है हम सबको। वाह करुणा जी, आपके दिल में कितना प्यार है, बस उतना ही प्यार इस धरती के बाकी लोगों में भी आ जाए ना, तो ये दुनिया तो स्वर्ग ही बन जाती। करुणा जी। हाँ आई। तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, और हाँ देवू की टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। चलो प्रियो, आप लोगों ने मम्मी को तो संभाल लिया, लेकिन अब अभी बिल्कुल अलर्ट रहना जी, क्योंकि हमसे हारने के बाद यम्मी आंटी जरूर किसी क्रेजी कैट की तरह इस पार्टी में प्रॉब्लम पैदा करने की कोशिश जरूर करेगी। खुशी के माहौल में अक्सर लोगों के दिल खुल जाते हैं, और जब दिल खुलते हैं तो जबान खुलनी तो लाजमी है।
चारों तरफ फैल जाओ सब लोग और देखो कि देवू की हकीकत किसके मुंह से खुलती है। ओ हेलो हेलो, अगर मुझसे बात ही करना चाहते हो तो कब तक की मेरी अटेंशन क्यों ग्रैब कर रहे हो? सीधे सीधे हेलो बोलो ना। नहीं नहीं, ये कप तो मैं डस्टबिन में डाल रहा था। क्या मेरे फेस पे डस्टबिन लिखा है? ना ही मैं किसी को डस्टबिन समझता हूँ, ना ही मैंने डस्टबिन किसी को बोला है। अरे चल यार अबू, मैं बस मजाक कर रही थी। बहुत अच्छा मजाक था, मजा आ गया। वैसे आप लोकल ट्रेन में स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं करती? व्हाट द एफ फनी। उस नकाब पोश में बालवीर जैसी स्पीड थी। अब जरा देवू भैया की स्पीड भी टेस्ट की जाए, उनकी सच्चाई जानने का यही एक तरीका है। हाय। इस बेचारी को पता ही नहीं है कि मौत के साथ आंख मिचोली खेल कर आई है। चिड़ी, करुणा आंटी कितनी मस्त डिशेस बनाती है ना। वाह चिंटू, तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और फिर भी तुम इतने चैन से खाना खा रहे हो। हादसा? कौन सा हादसा हुआ मेरे साथ? वाह, इसे ही कहते हैं करेज। करेज? करेज तो हमारा मिडल नेम है। अच्छा खुशी, ये बताओ किडनैपर की शक्ल कैसी थी देखने में? ये तो चिंटू को पता होगा ना। मुझे कैसे पता होगा, किडनैप तो तुम ही थी, तुम्हें मालूम होगा। चिंटू, तुम शौक में कुछ भी बोले जा रहे हो। शौक? मैं कभी भी इलेक्ट्रिक स्विच को गीला हाथ से टच नहीं करता। वेरी गुड, ये ना समोसा खाओ और बिंदास गाओ। डोंट वरी वी हैप्पी, डोंट वरी वी हैप्पी। चिंटू, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर मैं किडनैप हुआ था तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं? भैया, हो सकता है आपको एलियन उठा के लेके गए हो और आपकी मेमोरी क्लीन करके आपको वापस दुनिया में फेंक के चले गए हो। हाँ चिंटी, मुझे भी यही लग रहा है। मम्मी, मुझे एलियन किडनैप करके ले गए थे। वेटर जी, कोल्ड ड्रिंक प्लीज। थैंक यू। हेलो, ये तो झूठा है। अरे वेटर जी सुनिए, वेटर जी, ओ वेटर जी, अरे कुटे के लिए वेटर जी। मेघा जी आप आ गई। मेघा जी, मैं ना आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। गिफ्ट? क्या क्या? ये फूल मेरे लिए। गुलाब का? अच्छा, मेघा जी, इफ यू डोंट माइंड, मैं ये लगा दूं बालों में? ठीक है। मेघा जी, हाय गिर पड़े भाई, आज शू करो चो है? तुम ही आई हो, शू करो चो। और इतना मैं आज शू करो चो? अरे लेकिन वो कोल्हापुर की ट्रेन गुजरात कैसे पहुंच गई? अरे नहीं नहीं, अरे मेरे गुगु 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 पादमी ने मैं, अरे ताई क्या मस्ती परी। वैसे तो गिरपड़े जी बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारी है कि काल लोक के लोगों पर नजर रखे। सॉरी 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 सॉरी।
ये सिर्फ नाम की ज्वाला परी नहीं है, इसके तो छूने भर से मेरे हाथ में छाले आ गए। इससे दूर रहना होगा मुझे। अब पता चलेगा कि देवू भैया ही नकाबपोश है कि नहीं। शाबाश विवान, मेरा काम तो तुम कर रहे हो। लगता है किसी ने तुम्हें भी डस्टबिन ही समझ लिया है। डस्टबिन नहीं, इसे कर्मा कहते हैं। ओह, यू मीन टिट फॉर टैट वाला कर्मा। सॉरी सॉरी भैया, पता नहीं कैसे किसी का धक्का लगा और मेरे हाथ से ग्लास छूट के आपको लग गया। सॉरी भैया सॉरी। कोई बात नहीं विवान, अब ये तुम्हारी नहीं कर्मा की मिस्टेक है। आपका मतलब जैसी करनी वैसी भरने वाला कर्मा? हाँ। तुम दोनों कितने सिमिलर हो, सोचते भी एक जैसे हो। बिल्कुल ही कॉपी। कॉपी नहीं है कोई, हम दोनों ही ओरिजिनल हैं। और सेम इसलिए है क्योंकि खून का रिश्ता है, ब्लड बॉन्ड। वैसे अनन्या दीदी, मुझे आपको थैंक यू कहना था भैया के साथ दीदी को ढूंढने में मदद की इसलिए। तो बोलो ना थैंक यू। हाँ थैंक यू। यू आर वेलकम विवान। विवान तुम कितने क्यूट हो, पर तुम्हारे ब्लड ब्रदर इतना ज्यादा डब्बू कैसे निकला? ए, दीदी अगर यही बात किसी और ने कही होती ना तो पंगा हो जाता, लेकिन हम भारत नगर के नए गेस्ट हो इसलिए आपको प्यार से समझा रहा हूँ कि देवू भैया डब्बू नहीं है। लिटिल ब्रदर प्रोटेक्टिंग बिग ब्रदर, सो स्वीट। ट्रस्ट भी दीदी, देवू भी स्मार्ट है लेकिन दिखाते नहीं। देवू भैया प्रॉब्लम सॉल्वर है लेकिन दिखाते नहीं। देवू भैया बहादुर है लेकिन दिखाते नहीं है। और मेरा ये चैलेंज है कि इस पार्टी के बेस्ट डांसर देवू भैया ही है। ए, क्या? Really? अगर ऐसा है तो डांस फ्लोर पे हो जाए आमना सामना आज। हाँ? अब अरे नहीं नहीं। क्या नहीं? अरे अरे नहीं चलो, नहीं अरे अरे चलो भैया चलो। नागिनी, बड़े बालवीर की छोटी सी परीक्षा का समय आ गया है। तुम सांप बनकर करुणा के सामने जाओ और देखते हैं कि ये इसे बचाने आता भी है कि नहीं।
आज या तो देवू का सच सामने आएगा या फिर ये करुणा अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। और कितना सबूत चाहिए तुमने सा? मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये देबू ना तो नकाबपोश और ना ही ये बालवीर है। अब उस सांप को भी रास्ते से हटाया ज्वाला परी ने। मुझे अब भी भरोसा नहीं है भैमार, इसके ऊपर मैं नजर रखूंगी। लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने का एक ही रास्ता है। जादुई पौधा, जैसे कोई भी मैजिकल शक्तियों वाला प्राणी इस पौधे के पास आए तो इस फूल का कलर गुलाबी से पीला हो जाएगा। अब जैसे ही देवू भैया इस पौधे के पास आएंगे, उनका सच सामने आएगा। भैया, दीदी, आप लोगों ने खाना खाया क्या? पार्टी तो ऊपर हो गई है। नहीं नहीं। तो चलो खा लेते हैं। लेकिन गिरपड़े जी, हमें पता तो लगाना चाहिए ना कि वो किडनैपर्स हैं कौन। अब जब तक वो किडनैपर्स पकड़े नहीं जाते, हम लोग चैन से कैसे बैठ सकते हैं? आज खुशी किडनैप हुई है, कल कोई और बच्चा हो सकता है। ओ, तुम ही बरोबर बोलते हैं करुणा जी। दूध से दही बनता है, लेकिन मुझे दाल चावल में घी ज्यादा पसंद है। नहीं, ये दो बात अलग है। मैं ये कह रहा था कि मैं उन किडनैपर्स को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, बस एक सुराग की जरूरत है। हाँ, एक मिनट विमान, दो मिनट इधर आना। भैया आप लोग खाना खाइए, मैं आता हूँ। नहीं नहीं विमान, हम तुम्हारा इंतजार करते हैं, तुम जाके आओ। भैया आप खाना खाने शुरू कीजिए ना, मैं दो मिनट में आ जाऊंगा। अरे विवान, हम साथ में खाते हैं। नहीं देखो भैया, मेरे को भूख लग रही है, चलो ना खाना खाते हैं। देखा भैया, दीदी को भी भूख लग रही है, आप लोग खाना खा लीजिए, मैं दो मिनट में आ जाऊंगा। ठीक है, जाओ। अरे विवान इधर आओ। हाँ आया। चलो दादाजी। तो गिरपड़े जी को बता बेटा कि खुशी दीदी तुझे कब किस हालत में कैसे मिली थी। हाँ।
पूरा बता बेटा, ताकि इन्हें किडनैपर्स के बारे में कोई सुराग मिल जाए। बराबर। नहीं मिलेगा कोई सुराग। हैं? अब क्या? क्या बोल रहा है? अब मेरा मतलब सुराग इससे नहीं मिलेगा क्योंकि किडनैपर्स ना बहुत स्मार्ट थे। स्मार्ट क्या हो? ओवर स्मार्ट थे। अरे विमान, मुझसे ज्यादा स्मार्ट अखे भारत में, मतलब अखे भारत नगर में कोई है क्या? तू बता बता, कुछ तो बता। तो दीदी मुझे अकेले ही मिली थी पीछे आंगन में। आंगन में? बस दो कदम और देवू भैया का सब पता चल जाएगा। अरे अरे, ये रुक क्यों गए? अरे ये टेप पता नहीं कहां से आ गई। ठीक है विमान, तुम देखना, मैं उन किडनैपर्स को छोड़ूंगा नहीं। क्या नहीं? हाँ मेरा मतलब हाँ, गिर पड़े अंकल जरूर पकड़ सकते हैं। उन किडनैपर्स को आफ्टर ऑल कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं। करेक्ट है, करेक्ट है। लाओ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। बोल, ये इतना सुंदर फूल किसने रखा है यहाँ पे? सत्यानाश। क्या सत्यानाश? किसका सत्यानाश? किडनैपर्स का सत्यानाश हो, किडनैपर्स का सत्यानाश हो। बराबर। मेरे कहने का मतलब ये था ताकि वो दोबारा ऐसा काम कर ही ना सके। फूल अब मिट्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब अब उसकी जादुई शक्तियां काम नहीं करेगी और उसका रंग भी नहीं बचेगा। सब पोपट हो गया। तुम्हें याद है सब कल जब बाल परी ने मुझे एक दिन का बालवीर बनाकर परीलोक से बाहर निकाल दिया था, तो तुमने ही मुझे शरण दी थी। परतियां तो भगवान से भी होती, मुझसे भी हुई थी। मैं जानती हूँ सर्वकाल, मुझसे गलती हुई है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारने के लिए एकदम तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता वैसे ही हो जाए जैसे पहले था। तो फिर आजाद करो मुझे। जरूर करूंगी, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगी। लेकिन उससे पहले सर्वकाल तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि वो धरती पर छुपी हुई शक्ति कौन है जो मुझे मारना चाहती है और मुझे कहाँ मिलेगी। उसके बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी और मुझे भरोसा है कि तुम अपनी मुंह बोली बेटी को निराश नहीं करोगे, है ना? सर्वकाल किसी पिच्छू पर भरोसा कर सकता है तिमनासा, लेकिन तुम पर नहीं। लेकिन हर पिच्छू का एक दिन अंत हो जाता है, तुम्हारा भी होगा। इतना याद रखना तिमनासा कि कभी कभी मौत नकाब पहनकर भी आती है। तुम्हें कैसे पता उस नकाब पोष शक्ति के बारे में? देवू भैया, ये लो, मेरे फूल का तो फुल स्टॉप हो गया। क्या हुआ विवान? किस सोच में डूबे हो? क्या आपने दीदी को धक्का दिया? अरे नहीं विवान, मैं क्यों खुशी को धक्का दूंगा? वो तो मेरी प्यारी बहन है। वो गलती से पैर में टेप चिपक गई और बैलेंस चला गया, इसलिए धक्का लग गया। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वैसे टेप से एक शेर याद आ गया। अर्ज किया है, अगर मेरे पैर में टेप चिपकता नहीं, अगर मेरे पैर में टेप चिपकता नहीं तो ये फूल खुशी को मिलता ही नहीं। वाह 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 वाह, आदा 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 आदा।
वैसे विमान, ये फूल तुम लाए कहाँ से? आपको कैसे पता चला कि ये फूल मैं लाया हूँ? मैंने तो सिर्फ अंदर से लगाया, तुमने लाए तो माँ लाई होगी, मैं माँ से पूछ लेता हूँ। भैया 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 भैया, ये फूल मैं ही लाया हूँ फिर लोग से, और आपको पसंद है तो मैं एक और ले आऊंगा। हम एक नहीं दो लेकर आना, एक हम लिविंग रूम में रखेंगे और एक हमारे कमरे में, बहुत ही अच्छा फूल है। हाँ। वैसे ये जितना ब्यूटीफुल है क्या इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी है? हाँ? अच्छा, अरे ये फूल से तो मुझे एलर्जी हो गई, ये फूल दोबारा मत लेना। लो अच्छा। ओके ओके भैया, मैं भूल के भी ये फूल कभी नहीं लाऊंगा। हाँ। लेकिन अभी आप कमरे में चलकर रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है। अच्छी। मोनू, मेरा ये प्लान भी फ्लॉप शो हो गया। इस फूल से देवू भैया को एलर्जी है, अब मैं उनकी शक्तियों का टेस्ट कैसे करूँगा? देवू भैया, क्या हुआ देवू भैया, कहीं आपने फिर से चूहा तो नहीं देख लिया? अच्छा, चूहा नहीं। समझ गया, मैं अभी आपके लिए एंटी एलर्जिक टैबलेट लेकर आता हूँ, आपकी आंखें अभी बंद। रुको विमान, पर ये देखो। ओह नो, लगता है कोई रूम में आया था, रूम किसी ने पूरा तहस नहस कर दिया है। ओह नो भैया, चलो देखते हैं, कोई कीमती सामान तो चोरी नहीं हुआ। अलमारी में से कोई भी कीमती सामान चोरी नहीं हुआ, यहाँ से भी कोई कीमती चीज चोरी नहीं हुई, इनफैक्ट एक गुल्लक भी नहीं। कोई दिखा गया विमान? नहीं। तो फिर ये कमरे में क्या कोई बिल्ली आई थी? भैया आज तक इतनी बड़ी बिल्ली पैदा नहीं हुई जो अलमारी का दरवाजा खोल दे और इतना बड़ा टेबल गिरा दे, ये सब तहस नहस कर दे। हाँ राइट, तो फिर कौन आया था कमरे में, कोई चोर या फिर कोई चोर नहीं? अच्छा, ये रहस्य अब कोई नहीं जान पाएगा कि भारत नगर में ऐसा कौन है जो विवान की पल पल की खबर मुझ तक पहुंचा रहा है। लेकिन ये रहस्य हमें पता है, क्योंकि भारत नगर में आपकी जो जासूस है उसका नाम है नागिनी। सही कहा ना मैंने? ना सा, मुझे नहीं लगता अब देवू पे हमें नजर रखने की जरूरत है। तुम्हें गलत लगता है वेमार, क्योंकि काल लोग की एक कहावत है, अगर लंबे समय तक जिंदा रहना है तो अपने दुश्मन की पल पल की खबर रखनी चाहिए। अच्छा, मेरी कहावत के हिसाब से तो अपनी लंबी उम्र के लिए हमें तुरंत दुश्मन को खत्म करना चाहिए, जिससे कि वो एक पुरानी खबर बन जाए। यही तो मैं भी चाहती हूँ भैमार, इसलिए तो मैंने उस नकाब पोश का नकाब उतारने के लिए अपना अगला चक्रव्यूह रच दिया है। तो आप इस चक्रव्यूह के बारे में खुद बताएंगे या फिर हमें किसी से जासूसी करवानी पड़ेगी आपकी? अरे वाह विवान, हमारे पास तो बहुत अच्छी जादुई शक्ति है, ऐसी सुपर पावर्स मेरे पास भी होती तो कितना अच्छा होता। इसी पावर से तुमने खुशी को बचाया ना, है ना? मैंने अकेले नहीं, नकाब पोश दोस्त ने भी मेरी मदद की दीदी को बचाने में। नकाब पोश दोस्त? दोस्त है वो? तुम्हारा दोस्त है तो अपना चेहरा क्यों छुपा रहा है? वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। विवान, अगर तुम यही जानना चाहते हो तो पूछ लो ना उसी से।
कि भैया काहे मुंह पे गमछा डाल के घूमते हो। मैं पूछने ही वाला था, लेकिन उससे पहले वो दोस्त अपने घोड़े पर बैठकर निकल गया। घोड़ा नहीं, बाइक। आपको कैसे पता चला कि वो बाइक पर आया था? आजकल तो लोग सिर्फ शादी में अपने घोड़े पे जाते हैं ना, वरना सब लोग तो बाइक पे ही घूमते हैं। अब तुम्हें तो बताया कि नक्का पोष बाइक पे आया था। मैंने कब कहा भैया? अरे विवान, तुम्हें तो अभी बताया कि वो बाइक पे आया था। नहीं भैया, मैं 100% श्योर हूँ कि मैंने बाइक नहीं घोड़ा ही बोला है। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये कहने का मतलब नहीं था मेरा। नहीं, तुम्हारा मतलब तो ये हुआ ना विवान। अरे, क्या डिस्कशन चल रहा है दोनों भाइयों में? अच्छा खैर, जो भी तुम्हारा सीक्रेट डिस्कशन चल रहा है ना, उसे अब बंद करो और जाके सो जाओ। बहुत रात हो गई है और कल सुबह मार्केट से सामान भी तो लाना है ना। हाँ चलो चलो जल्दी। मेरी तरह डिम्मी आंटी भी उस नकाब पोस्ट के बारे में सोच रही होगी। नहीं तमन्नासा, ये योजना बहुत खतरनाक है। इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ? नहीं, ये योजना मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, तुम्हें बहुत फिक्र है मेरी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो और मुझे मरते हुए नहीं देख सकते? मैं किसे पसंद करता हूँ और किसके साथ मेरी वफादारी है, ये तुम अच्छे से जानती हो। पर हाँ, तुम अभी काल लोक की बहरानी हो। हाँ? इसलिए तुम्हारी सुरक्षा और सुरक्षा का ख्याल दोनों ही मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस योजना से सहमत नहीं हूं। बड़ी बाजी जीतने के लिए बहमार बड़ा जिगर होना चाहिए। क्या मेरे मुंह से सच में बाइक निकला था विवान? हाँ? अरे ये क्या मतलब, बालवीर भी मार्केट में बैंगन टमाटर ये सब खरीदने जाता है? भैया भले ही मैं पूरी दुनिया के लिए बालवीर हूँ, लेकिन अपनी फैमिली के लिए तो एक नॉर्मल बेटा पोता और भाई हूँ ना। यहाँ तक कि अगर स्कूल के होमवर्क में मुझसे कोई गलती होती है ना, तो नॉर्मल बच्चों की तरह मैं भी मुर्गा बनता हूँ। तुम मुर्गा बनते हो? लेकिन मुर्गा बन के कुकड़ों को बोलने से अच्छा है कि तुम जादू से अपना होमवर्क खत्म कर लो। भैया किसी समझदार इंसान ने मुझे समझाया कि बालवीर की शक्तियाँ अपने मजे या फायदे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए होती है, जिसे परोपकार कहते हैं। ओ, मतलब जूस वाले की दुकान में जूस वाला ही पैसा बैठा रहे। भैया मैं सोच रही थी, देव भैया तो देवू बोले उनका दिमाग ना थोड़ा सा पंचर हो गया है, तो क्यों ना हम विवान का बदला से ले ले। आइडिया तो मस्त है चिंटी। वैसे भी विवान देवू भैया को इतना प्यार करता है, अगर देवो भैया को चोट लगेगी तो आउच विवान के मुंह से निकलेगा। तो चलो भैया लैब शुरू किया जाए। किसी भी किसी ग्रेट इंसान ने कहा है कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन के बराबर ही होता है। हाँ चिंटी, चलो फिर। भैया एक मिनट लिस्ट देख लेता हूँ। ओह भैया देखिए ये लिस्ट कितनी बड़ी है। एक काम करते हैं, आप खेड़े अंकल की शॉप से आधा सामान खरीद लीजिए और सब्जियाँ बाहर में सब्जी मार्केट से खरीद लेता हूँ। हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया विवान, फिर हमें टाइम मिलेगा तो हम क्रिकेट भी खेलेंगे। हाँ लो जा। छिड़ा जी, दिवाली जी, गोपू है कोई? जो काम रात के अंधेरे में नहीं करते वो दिन दहाड़े कर रहे हो, शर्म नहीं आती?
तुम What the heck, डबू? तुमने एक बार मुझे डस्टबिन बोला, मिस पूनिया रिजेक्ट बोला, वहां तक मैंने सुनिया, पर तुमने आज लिमिट क्रॉस कर दी है। तुमने मुझे चोर बोला। हाँ तो मैंने गलत कहाँ बोला? ये सुपरमार्केट थोड़ी ना है, छेड़ा जी की किराने की दुकान है, और तुम यहाँ पे चोरी छुपे सारा सामान उठा रही हो। देखो, अरे हेल्प हेल्प हेल्प, ये लड़की चोरी के साथ सीना चोरी भी कर रही है। देखो हेल्प करो भाई, ये दुकान लूट लेगी। अरे ये 2000 का नोट दिख रहा है ना, ये मैंने उधर रखा था एडवांस पेमेंट के तौर पे। कॉलेज के लिए लेट हो रही थी इसलिए शॉपिंग कर रही थी, चोरी नहीं। सॉरी। तुम सिग्नल क्रॉस करने से पहले लेफ्ट राइट देखते हो? हाँ। उसी तरह कभी कभी अपने ब्रेन का यूज भी कर लिया करो किसी को चोर बोलने से पहले, ठीक है? वैसे सुनिए, छेड़ा जी की दुकान में आपने चोरी नहीं की, मतलब मेरे कमरे में जिससे तहस नहस की वो आप नहीं। ओ हेलो हेलो, सॉरी बोल के उससे भी बड़ी इंसल्ट कर रहे हो। मैं क्यों जाऊंगी तुम्हारे रूम में? अरे ऐसे छेड़ा जी आए तो प्लीज ये पैसे उनको दे देना, ठीक है? हाँ भैया, अब विवाद के देवू भैया का तो किया करने का सॉलिड आइडिया मिल गया। कौन सा सॉलिड आइडिया चिंटी? आप बस देखते जाओ। तिन्ना सा, तुम्हारी योजना के मुताबिक हमने भारत नगर में वो यंत्र लगा दिया है। बहुत खूब, अब उस यंत्र से कोई नहीं बच सकता। अब नकाब हटेगा और चेहरा दिखेगा बालवीर का।